हाँ तो भाई आ गए जीना अस्पताल, ये लाइन लगी हुई है, लंबी लाइन है आज तो, ये चल रही है चल रही है चल रही है चल रही है वहाँ तक चल रही है। तो ये आज की जो इन्फॉर्मेशन वीडियो है वो है फ्री की बिरयानी, और टाइटल है इसका जब गांठ फटी तो खैरात बटी। तो ये होता है कि बस जब इंसान में बुरा वक्त आता है तो फिर वो जो है ना निकालता है सदका, सदका निकालेगा और तो उसके अंदर ये होता है कि अल्लाह ने कहा है कि भाई जब बुरा वक्त आए तो सदका निकालो, खैरात करो, सदका करो, तो फिर ये बिरयानी जो है वो जिन पर ये बुरा वक्त आता है तो ये लोगों को देते हैं खाने को। तो अल्लाह ने कुरान में कहा है कि रमज़ान, पहली रमज़ान को ज़कात देते हैं, और अगर बीच में कोई आफत आ जाए, बीमारी आ जाए, कोई हादसा आ जाए, कोई परेशानी आ जाए, तो सदका या खैरात करो। सदका कहते हैं जिस्म की कोई बीमारी हो तो उसके लिए गरीबों को खाना खिलाओ, और खैरात कहते हैं कि अगर कोई परेशानी मुश्किल आ जाए तो उसके अंदर गरीबों को खाना खिलाओ। तो ये है इसकी कहानी। तो अल्लाह ने कहा था कुरान में कि जिसको हमने अमीर बनाया है वो गरीबों को खिलाए, तो कुफार कहते थे कि भाई अल्लाह ने हमें अमीर बनाया है और इनको गरीब बनाया है, तो अल्लाह ने ही बनाया ना इनको गरीब और हमें अमीर, तो अल्लाह खुद इनको खिलाए, हम क्यों खिलाएंगे, हम तो नहीं खिलाते इनको, अल्लाह खुद खिलाएगा। तो अल्लाह ने कहा ठीक है, तुमने अल्लाह के अहकाम मानने से इनकार किया है तो तुम्हारे पे अल्लाह का अज़ाब आएगा। तो फिर उनको ऊपर अल्लाह का अज़ाब आया और उनको गर्क कर दिया गया। तो इसमें कोई बुराई नहीं है, जब भी आप पे बुरा वक्त आए तो अल्लाह की तरफ रुजू करें, तो अल्लाह जो है आपके मसले मसाइल हल करेगा, और सदका करें। सदका लोग बकरे की शक्ल में भी करते हैं, एक बकरा लेके गरीबों में ज़िबा करके बांट देते हैं। अब ये यदि ट्रस्ट वाला है ना, इनको कॉल करें तो लाएगा सदके का बकरा, तो वो फिर आप जो है ना उस पर छिड़ी फेरें अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, और फिर ये जो है ये यहाँ पे आ जाएगा गरीबों के पास बिरयानी की शक्ल में। तो फिर उससे ये होगा कि आपके जो भी बीमारी अल्लाह उसमें आपको शफा देगा। तो शफा हासिल करने के तीन तरीके हैं, एक नमाज पढ़ें, दुरूद शरीफ का वेद करें, कुरान पढ़ें, नहीं पढ़ना आता तो उसको सुने, नहीं समझ में आता तर्जुमा सुने, उस पर अमल करें, और सूरह फातिहा को अल्लाह ने रखा है सेहत से, ये दुआ है जो नमाज में पढ़ी जाती है अच्छी सेहत के लिए। तो बीमारी से बचने के लिए सूरह फातिहा बनाइए, और बीमार होने के बाद बीमारी से रिकवरी के लिए सूरह रहमान बनाइए। तो अल्लाह ने कितनी चीज़ें रखी हैं कि जिसको जो गरीबों को नहीं खिला सकता वो खुद ही गरीब है, तो वो जाके नमाज़ पढ़ ले, गुरु शिव का वेट कर ले, और अगर बीमार हो गया तो सूरह रहमान पढ़ ले, नहीं पढ़नी आती सुन ले, पढ़ भी नहीं सकता सुन भी नहीं सकता तो फिर वो पानी पे पड़वा के पी ले। तो ये है इसका मसला। तो ये है कि भाई ये गरीबों को खिलाओ, इसमें कोई बुराई नहीं है, जब गांठ पड़ी तो खैरात बटी, तो इसका मतलब हरगिज़ इसमें कोई बुराई नहीं है। अल्लाह ने कहा जब भी बुरा वक्त आए तो मेरी तरफ आ जाओ, यानी कि या तो नमाज की तरफ आओ, गुरुशीर का वेद करो, कुरान पढ़ो, और दूसरा गरीबों को खिलाओ खाना, और सदका करो, खैरात करो, और पहली रमज़ान को ज़कात भी देनी, तो ये अल्लाह का बताया हुआ तरीका है। अब आ जाते हैं साइंस कहती है कि भाई जो भी बीमारी है, साइंस क्या करती है, उस बीमारी का ही एक दवा बनाती है, कोई भी बीमारी है उसकी दवा बनाएगी, तो साइंस कहती है कि हमने हर बीमारी की दवा बना दी,
तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो पता करेगा कि भाई बीमारी क्या है, तो जो बीमारी आपको होगी उसकी वो दवा आपको लिख के देगा, तो वो दवा आप ले लें और इस्तेमाल करें तो उससे अल्लाह आपको शफा देगा। तो ये है सूरत। तो इसके अलावा लोग आते हैं मस्जिद में, कहते हैं भाई हमारे जो है ना घर वाले जो हैं घर में बीमार हैं वालदा, तो उनके लिए कुछ करें, मस्जिद के इमाम से कहते हैं ना, तो वो इमाम साहब कहते हैं कि भाई हम तो दुआ करते हैं आपके लिए, आप ऐसा करें डॉक्टर के पास लेके जाएं दवा करें और अल्लाह शफा देगा। तो उसके बाद वो आए, दो हफ्ते के बाद कहने लगे अम्मा गुजर गई। तो कहने लगे ये भी होता है कि इंसान जो है ना वो हमेशा दुनिया में नहीं रहता है, तो बीमारियाँ जो होती हैं बार दफ़ा इंसान को इस दुनिया से ले जाती हैं, और बार दफ़ा इंसान दवा लेने से उसकी सेहत वापस आ जाती है, तंदुरुस्त हो जाता है। तो ये अल्लाह का बताया हुआ तरीका। बहरहाल जिसको भी अल्लाह ने इस दुनिया में भेजा है उसे इस दुनिया में हमेशा नहीं रहना है, वो इस दुनिया से जाएगा। अब अल्लाह ने कहा है दुनिया से जाने का तरीका, या कुरान में कहा है कि हमारे जो अच्छे बंदे होते हैं बरकीजा बंदे होते हैं ना वो रात को सो रहे होते हैं, तो फिर हम अपने फरिश्ते भेजते हैं तो वो उनकी रूहें कब्ज कर लेते हैं, तो वो इस दुनिया से चले जाते हैं। ये सबसे आसान तरीका दुनिया से जाने का। दूसरा तरीका ये है कि इंसान है उसके एक्सीडेंट हो जाते हैं, कोई हवाई जहाज से गिर के मर जाता है, कोई ट्रेन से गिर के मर जाता है, कोई रोड पार कर रहा है गाड़ी ने टक्कर मारी मर गया, तो ये तरीके भी, तो हादसा से भी मर जाता है इंसान। और जो हादसा से भी नहीं मरता और बीमारी से भी नहीं बचता मरता, तो उसका हिसाब किताब ये रखा है अल्लाह ने कि वो 80-90 साल का हो जाता है, जब वो बिल्कुल बूढ़ा हो जाएगा तो फिर वो बीमार होगा, तो उसका कोई दिल का मसला होगा, कोई गुर्दों का मसला होगा, तो वो या तो उसके गुर्दे ख़राब होंगे या दिल में कोई मसला होगा, कोई ऐसी मेजर बीमारी उसको होगी, तो उस बीमारी की वजह से वो इस दुनिया से चला जाएगा। तो ये तीसरा तरीका है इंसान का। तो इंसान का दुनिया से जाने का तरीका क्या है, बीमार होगा हादसा होगा या बूढ़ा हो जाएगा 90 साल का हो जाएगा 100 साल का हो जाएगा तो फिर दुनिया से चला जाएगा। तो यह है जीना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर, इसका जो ये मेन गेट है, इससे आगे वाला गेट है वो खुला होता है, उसके अंदर से अंदर जाते हैं मरीज, और यहाँ पे ये बंद रहता है तो यहाँ पे जो है लोगों को बिरयानी खिलाई जाती है। तो यह है इसका तरीका। तो समझे अल्लाह के निज़ाम को, तो कोई बुराई नहीं है, जब गांठ पड़ी तो खैरात बटी, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। जब भी आपके ऊपर अल्लाह का बुरा वक्त आए तो आप आ जाएँ, अल्लाह अल्लाह करें, नमाज पढ़ें, दुरूद शरीफ का ज़िक्र करें, कुरान पढ़ें, और गरीबों को अगर अल्लाह ने आपको पैसे दिए, अल्लाह ने आपको दौलत से नवाजा है तो उसमें से गरीबों को खिलाएं, तो यहाँ पे खिलाएं बिरयानी। और अगर ये खैरात होगी, अगर आप सदका करना चाह रहे हैं तो बकरा लें उसमें ज़िबा करें, और वो ईदी वाले आए ना, ईदी वाले आएंगे तो वो लेके जाएं, लेके आएंगे बकरा, उसको शुरू करें, उसको पैसे दें बकरे के, वो बकरा जो है बना के और उससे उसे लोगों में तकसीब करेंगे। तो ये है इसका तरीका कार। तो यहाँ तो 10,000, अब ये मुसीबत सारी ये होती है कि जब इंसान में बुरा वक्त आता है तो वो भी बा कुछ लोग जो है ना अल्लाह की तरफ रुजू करते हैं और कुछ लोग अल्लाह की तरफ रुजू नहीं करते रहते, वही इधर उधर भागते रहते हैं। तो ये है कि इसलिए ये वीडियो बनाई जा रही है कि जब आपके अल्लाह की तरफ से बुरा वक्त आए
तो आप जो है अल्लाह की तरफ भागेंगे, अल्लाह की तरफ भागेंगे। अल्लाह की तरफ भागने का मतलब क्या है, करेंगे क्या आप, कि आप मस्जिद में जाएंगे, नमाज पढ़ेंगे, दुरूद शरीफ करेंगे, कुरान पढ़ेंगे, कुरान नहीं पढ़ना था कुरान सुनेंगे, यहाँ पे आके गरीबों को बिरयानी खिलाएंगे। तो ये दो तरीक़े होगा अल्लाह के। और तीसरा ये है कि बिना अस्पताल है डॉक्टर के पास जाएं, वो आपको बताएगा आपको बीमारी क्या है। तो अगर आपकी डायग्नोस्टिक सही हुई तो साइंसदानों ने हज़ारों बीमारियों की हज़ारों तरीके दवाइयाँ बनाई। तो अगर साइंस के हिसाब से आप चलेंगे तो आप जाएंगे डॉक्टर के पास, वो बताएगा आपको कि भाई ये बीमारी है, उसकी वो दवा देगा, तो आप जो है उस दवा को खा के उस बीमारी से रिकवर होंगे। अगर आप उस बीमारी से रिकवर नहीं होंगे दवा खा के, तो फिर आगे का सफ़र है कि आप इस दुनिया से चले जाएंगे। तो अल्लाह का निज़ाम है, अल्लाह का निज़ाम क्या है कि जब बीमार हो जाओ तो दुआ करो तो अल्लाह शफा देगा, और अगर शफा नहीं होगी यानी कि ठीक नहीं होगे, रिकवर नहीं करोगे, तो फिर इस दुनिया से चले जाओगे। तो क्या है अल्लाह का निज़ाम कि आप दुआ करोगे और उसके बाद आप की दवा करोगे, उसके बाद आप रिकवर हो जाओगे, अगर रिकवर नहीं हुए तो दुनिया से चले जाओगे। तो ये अल्लाह का निज़ाम। तो इससे बचने का तरीका सूरह फातिहा, नमाज़ें पढ़ी जाती है, नमाज़ पढ़ेंगे सूरह फातिहा पढ़ेंगे तो अल्लाह आपको बीमारी से बचाएगा। और सूरह अगर बीमार हो जाएँ तो सूरह रहमान पढ़ें तो अल्लाह उससे आपको बीमारी से बचाएगा, यानी कि बीमार हो गए ना तो आपको उससे बीमारी से रिकवर कराएगा। अब गरीब आदमी तो खुद गरीब होता है तो वो गरीबों को कहाँ से खिलाएगा। तो इसलिए ये अल्लाह का जो निज़ाम है ना गरीबों को खिलाने का, ये सिर्फ अमीरों के लिए, जिसको अल्लाह ने दौलत दी, पैसा दिया, वो ज़कात भी देगा, वो सदका भी करेगा, वो खैरात भी करेगा। तो ये अल्लाह का निज़ाम है। तो कोशिश करें अल्लाह के निज़ाम को समझने की। तो अल्लाह का निज़ाम क्या है कि जब आपका कोई बुरा वक्त आएगा तो आप क्या करेंगे, दुआ करेंगे, दवा करेंगे, और अल्लाह शफा देगा, और अल्लाह उस बीमारी से आपको रिकवर नहीं करने देगा तो फिर आप इस दुनिया से चले जाएंगे। तो ये अल्लाह का निज़ाम है। तो दो तरीके हैं बीमारी से बचने के, सूरह फातिहा और सूरह रहमान। सूरह फातिहा जो पढ़ी जाती है वो इसलिए पढ़ी जाती है कि अगर आप बीमार हो, बीमारी से बचने के लिए, सेहत अल्लाह आपको अच्छी दे, आपको बीमारी से बचाए, सूरह फातिहा, ठीक है। और सूरह रहमान इसलिए पढ़ी जाती है कि अल्लाह आपको अगर आप बीमार हो जाएं तो आपको बीमारी से रिकवर कराए, यानी कि उस बीमारी से आपको निजात दे। तो इसलिए कोशिश करें, पूरा अल्लाह का निज़ाम और साइंस का निज़ाम मैंने समझा दिया। तो अगर साइंस का भी थोड़ा बहुत फॉलो कर लें, हज़ारों बीमारियाँ उनके हज़ारों बीमारियों की हज़ारों तरीके की दवाइयाँ ईजाद हुई हैं। लेकिन हमेशा याद रखें कि अगर बीमारी आपको कोई और है और दवा आप कोई और लेंगे तो आपको फ़ायदा नहीं होगा। तो डायग्नोस्टिक जो है ना वो मस्ट है। तो जिन अस्पताल में अपना ब्लड टेस्ट कराएं, पेशाब पखाना टेस्ट कराएं, तो आज बीमारी का पता करें। तो जब आपको पता चल जाएगा आपको बीमारी क्या है तो डॉक्टर जब आपको दवा देगा तो आपको उससे फ़ायदा होगा और आपका इलाज हो जाएगा। और जिसके अंदर जो चीज़ें लगी हैं, जैसे गुर्दे लगे हुए हैं, दिल लगा हुआ है, तो अब आपको तो पता ही नहीं है आप कैसे उसकी हिफाजत करेंगे। तो वो तो अल्लाह ही करेगा, वो अल्लाह अल्लाह करें। और अल्लाह अल्लाह क्या है, नमाज का पढ़ना, कुरान का पढ़ना, दुरूद शरीफ का वर्द करना, ये करें और दुआ करें, और सेहत अल्लाह आपको अच्छी सेहत दे, सूरह फातिहा पढ़ें, और अगर आप बीमार हो गए तो सूरह रहमान पढ़ें। तो यह है इसका तरीका। तो आज की इंफॉर्मेशन वीडियो, तो काफ़ी बिरयानी बढ़ चुकी है, तो अब जो है ना बहुत कम लोग हैं जिनको बिरयानी मिलेगी। तो बड़ी 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 लाइन से सारे के सारे लोग जो है ना बिरयानी लेके जा चुके हैं। तो ये है सोचा। तो कोशिश करें, समझें अल्लाह के निज़ाम को,
और साइंस के निज़ाम को। तो दुआ में याद रखें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।